के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की राजनेताओं के प्रचार प्रसार भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, आप देखेंगे कि उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है वहां पे शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। तो चुनावी सरगर्मी कितनी बढ़ चुकी है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए विधानसभा उपचुनावों की तो सिर्फ सीएम सैनी नहीं बल्कि जो सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी जी, वो भी लगातार निरंतर सुबह से शाम तक इस तरीके से प्रसार प्रचार में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और आज सुबह का पहला ही कार्यक्रम गोल्डन पब्लिक स्कूल में होने वाला है फूसगढ़ रोड पे, जहां से आप देखेंगे सबसे पहले जो निवर्तमान पार्षद है वो हमारे साथ है कृष्ण रोड जी, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। तो सुमन सैनी जी आने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल आप भी देख रहे हैं, क्या कुछ बना हुआ और आप लोगों का समर्थन किसके साथ है? हमारा मैं यहाँ से अर्बन मंडल से उपाध्यक्ष हूँ और हमारे यहाँ पर सुमन सैनी जी का फुल समर्थन है और आने वाली जो 25 तारीख है इसके लिए विधानसभा और लोकसभा की हमारी पूरी तैयारी है। हर बूथ पर हमारी जीताऊ पारी खेल रहे हैं हम। मतलब आपका जो इलाका है, यहाँ के जितने भी निवासी है सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं जी, सरकार ने काम किए हैं, कामों को, विकास को समर्थन है ये। आप देखेंगे आयोजक भी यहीं पर है शिवचरण जी, उनसे भी एक बार बातचीत करते। तो आपने कार्यक्रम कराया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बीजेपी मैडम बहुत भारी वोटों से यहाँ से जीत के जाएगी और एक दिल्ली में जाएंगे और दूसरे मैडम चंडीगढ़ में जाएंगे। अच्छा, जो नारा दे रही है बीजेपी 400 पार, लगता है पूरा होगा? बिल्कुल पूरा होगा मैडम, 100% पूरा होगा। ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या है कि आप इतने जो है संतुष्ट हैं बीजेपी से, ऐसा क्या कुछ? मैडम जी बीजेपी ने काम किए हैं, देशों में विदेशों में नाम किया है। बिल्कुल, आप देखेंगे ये लोगों की राय है, जैसे मैं बता रही थी चुनावी माहौल देखते ही बन रहा है आजकल। और सुबह से शाम तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो मैदान में उतरे हुए हैं। प्रसार प्रचार जो है वो रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के बीच आप देखेंगे महिलाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह है, महिलाओं से भी एक बार बातचीत करते हैं। आंटी जी किसको वोट दोगे? आपको देवांगे बेटे, कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को दोगे, कांग्रेस को दोगे, इनेलो को दोगे, किसको देने वाले हो? जीपी को दोगे, बीजेपी को दोगे, जीपी को। खुश हो आप? खुश खुश हो जा भी तो। अच्छा, मोदी से खुश हो? मोदी तो खुश हो। तो आप देखेंगे, हाँ जी क्या बताओगे अंकल जी, कौन सी पार्टी को वोट देना है? मोदी को नहीं, यहाँ से किसको दोगे? नायब सैनी को दोगे कि त्रिलोचन सिंह को? नायब सैनी को देंगे। और बिल्कुल, आप देखेंगे माहौल जो है वो देखते ही बनता है। ये सब जो है अपने आप को बीजेपी के समर्थक बता रहे हैं। और आप देखेंगे फूसगढ़ रोड पे गोल्डन पब्लिक स्कूल के पास किस तरीके से यहाँ पे एक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पहला कार्यक्रम ये सुमन सैनी जी जो कि धर्मपत्नी है नायब सिंह सैनी की, सीएम की, वो आज यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले जो लोग हैं यहाँ पे काफी उत्साहित है और जाहिर सी बात है कि अगर सुमन सैनी जी के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं यहाँ पे तो बीजेपी का समर्थन भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसा बीजेपी का नारा है कि 400 पार भी होगा और एक फूल जो है वो चंडीगढ़ भेजेंगे खिलाके और दूसरा जो है वो दिल्ली भेजेंगे। बाकी कुछ ही देर में सुमन सैनी भी यहाँ पे पहुंचेगी, उनसे भी बातचीत करते हैं। नजदीक आते चुनावों के साथ साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ रही है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की राजनेताओं के प्रचार प्रसार भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सैनी की धर्मपत्नी सुमन सैनी, आप देखेंगे कि उनका पहला आज का जो कार्यक्रम है वहां पे शिरकत करते हुए नजर आ रही है। आप देखेंगे सीएम की धर्मपत्नी, सीएम वाइफ सुमन सैनी जो है आज गोल्डन पब्लिक स्कूल और चंद्रशेखर आजाद स्कूल में पहुंची नजर आ रही है, जो कि फूसगढ़ रोड पे आप देखेंगे सभी लोग गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। चाहे यहाँ के निवर्तमान पार्षद हो या फिर इस कार्यक्रम के आयोजक हो, सभी जितनी भी महिलाएं हैं ये सब यहाँ पे मौजूद, टीचर्स हैं स्कूल्स की, और ये सब जो है बेहद ही गर्मजोशी के साथ सीएम की धर्मपत्नी सुमन सैनी का स्वागत करते हुए नजर भी आ रही है। आप देखेंगे चुनावी सरगर्मी जो है लगातार आए दिन, जैसे जैसे चुनावों के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे ही चुनावी सरगर्मी, चुनावी माहौल जो है बेहद ही तेज और गर्म होता जा रहा है। और उसी के बीच जो प्रचार और प्रसार की अलग अलग नीतियां अपनाई जा रही है वो भी काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई नजर जरूर आ रही है। आप देखेंगे सीएम नायब सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की जो पत्नी, आप देखेंगे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत जो है किस तरीके से किया जा रहा है। आप देखेंगे कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। तो चुनावी गतिविधियां जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम एक और देख रहे हैं कि प्रचार प्रसार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल तो हॉट सीट भी है, उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के और साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन तो होने ही वाले हैं, और दोनों की ही डबल हॉट सीट होने के कारण यहाँ पे जो है काफी ज्यादा चुनावी सरगर्मी भी महसूस हो रही है। आए दिन हम देख रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट्स मैदान पे उतरते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, अपील की जाती है, वोट की मांग जो है की जाती है, अपनी नीतियों के बारे में जो है जिक्र किया जाता है। उसी के बीच आप देखेंगे कि सीएम की जो
धर्म पत्नी है, नायब सिंह सैनी की धर्म पत्नी सुमन सैनी जो है वो आज फूसगढ़ के रोड के पास में स्थित इस कॉलोनी में पहुंचती है, आम लोगों से अवगत होती है और लगातार इनके जितने भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं और जो भी जिसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग जो है सुबह से शाम तक जो है इस तरीके से प्रचार और प्रसारों में जुटे रहते हैं। उसी बीच हम देखेंगे सीएम नायब सैनी भी आज करनाल में है, वो भी जो है डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच अगर देखें पूर्व सीएम जो कि लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट भी है, लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी जो है इस तरीके से प्रसारों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अलग ही रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपको कौन सी पार्टी को समर्थन देना है, कौन से कैंडिडेट को समर्थन देना है और 25 मई को आप किसके लिए जो है वोट करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ वोट देना जो है वो बहुत जरूरी है, एक नागरिक का सबसे महत्वपूर्ण फर्ज और उसकी जो एक सबसे जरूरी ड्यूटी बनती है वो ये है कि वोट जरूर दे, क्योंकि 5 साल के लिए जो आपकी सरकार होगी, जो आपके लिए अलग अलग नीतियों को लाएगी, वो आप सोचिए कि वो आपको चयन करना है। तो इस दिन अगर आप पीछे हट जाएंगे तो सोचिए कि 5 साल अगले 5 साल में जो होने वाला है आप वो फैसला लेने से पीछे हट रहे हैं। तो देश के लिए जो सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है वो निर्णय आप लीजिए, चाहे आप बीजेपी को दे, चाहे आप कांग्रेस को दे, चाहे आप जेजेपी को दे या फिर आप एनसीपी को दे, वो आपके हाथों में क्या है, आपको वोट किसको देखना है, आपको समर्थन किसको देना है, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है। लेकिन वोट देना एक आम आदमी का, एक भारतीय का इस वक्त अधिकार जरूर है। तो 25 मई को सैटरडे है, आप अपने आप को बिजी मत रखिए और उस दिन वोट जरूर दीजिए। भवन आरंग।